स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट सजेशन में। जब आप अपने लैपटॉप की सेटिंग्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये वाला स्क्रीन आता है, इसमें आपको कंट्री सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर से आप इंडिया सेलेक्ट कर लें, और भी कंट्रीज अवेलेबल हैं। अब जहाँ के वहाँ के आप कंट्री चूज कर लो। अब इस स्क्रीन में आपसे लैंग्वेज पूछ रहे हैं, तो मैंने यहाँ इंग्लिश इंडिया चूज कर लिया है। फिर मैंने इसको स्किप कर दिया है लेआउट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो पहले मोबाइल को हॉटस्पॉट आप ऑन कर लें, ठीक है, और फिर आप कनेक्ट कर लेंगे। फिर ये थोड़ी अपडेट्स चेक करेगा, एक दो मिनट के बाद आपको ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपको लाइसेंस एग्रीमेंट एग्री करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप अपने डिवाइस का क्या नाम दोगे, तो मैंने अपना नाम दे दिया, ललित बघेल। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। इसके बाद मेरे से पासवर्ड चूज़ कर रहा था, इजी पासवर्ड रखें क्योंकि अगर आप भूल गए तो आपको दिक्कत आ सकती है, तो मैंने भी इजी पासवर्ड रखा है। यहाँ उसको दोबारा पासवर्ड डालना है। इसके बाद आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन देने पड़ेंगे। तो मैंने सबसे पहले तो एक पेड नेम वाला चूज़ करा, जिसमें मैंने अपने कुत्ते का नाम डाल दिया। ये भी बहुत इजी चूज़ करिए क्योंकि आप अगर भूल गए तो आपको ही दिक्कत जाएगी। मैं थोड़ा और इजी डॉग का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद मेरे से मतलब टोटल 3 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो सेलेक्ट करने रहते हैं सिक्योरिटी वाले। तो मैंने एक तो प्लेस का नाम चूज़ कर लिया, जिसमें मैं अपने जगह का नाम डाल दूँगा सिवनी। फिर पेरेंट्स के लिए भी मैं प्लेस का ही नाम चूज़ करूँगा कि पेरेंट कहाँ मिले थे, वो वाला ऑप्शन चूज़ करके मैं उस पर भी इस पर भी सिवनी डाल दूँगा। सिवनी मेरी जगह का नाम है जहाँ मैं रहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि डिवाइस की जो प्राइवेसी है उसमें से आप लोकेशन ऑन रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, और भी चीज़ें हैं आपके ऊपर, आप क्या चीज़ ऑन रखना चाहते हो, क्या ऑफ रखना चाहते हो। पर मैंने फाइंड माई डिवाइस के लिए सब चीज़ें ऑन कर दी ताकि मेरी डिवाइस को मैं तो मुझे मिल जाए। फिर इसके बाद प्रोटेक्टेड डिवाइस के लिए यहाँ पर डिटेल्स डालनी होती है, तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ डाल दी, आप भी पूरी पूरी भर दें। ईमेल आईडी, इसके बाद आपका फोन नंबर, इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो आप ये डिवाइस परफेक्ट हो जाएगी। थोड़ी देर लग के ही आया। इसको होने में 2 से 3 मिनट लग गए थे। अभी मैं आपको जब मेरा फाइनल स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज चेक करके बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा लुक डिफरेंट है, मैं यहाँ पर देश पी से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हो इंस्टॉल होने के बाद जो हमने एसर एस्पायर 7 लिया उसका लुक ये रहता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर किसी फोल्डर के थ्रू ही जाकर ही पता करूँगा। तो आप देख सकते हो मैं इजी तरीके से जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे आपको एक बार कंप्यूटर प्रॉपर्टीज़ दिखानी है कि इस लैपटॉप के साथ क्या क्या मिला है। तो यहाँ से भी दिस पीसी मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। चलो फोल्डर के थ्रू देखते हैं जाकर, वहाँ पर थोड़ा अलग रहता है ना 8 और 7 में 10 में। यहाँ मैं डायरेक्ट फोल्डर से गया और वहाँ मुझे दिस पीसी देख के आया। फाइनली मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करके आपको दिखा देता हूँ कि इसके साथ मुझे
क्या क्या मिला है, ठीक है। तो ये रही मेरे सिस्टम की डिटेल्स, तो आप देख सकते हो 8 GB रैम मिली है, जिसे मैं 8 GB है जिसमें से इतनी यूजेबल है, और ग्राफिक्स हमें मिला है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है